पत्रस का पहला आम खत पहला बाब पत्रस की तरफ से जो यस्सु मसीह का रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतुस, गलतिया कपदुकिया आसिया और बथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म सबक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यस्सु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं फजल और इतमान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे एक ज़िंदा उम्मीद। हमारे खुदामंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हम थो जिसने यसु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गम ज्यादा हो और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है यस्सु मसीह के जहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबुवत की, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली जिन्होंने रूल कुल्स के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं पाकिस्ती के लिए बुलाहट इस वास्ते अपने अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यस्सु मसीह के जहूर के वक्त तुम पर होने वाला है और फर्माबरदार फरसांद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है तो अपनी मुसाफिरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई बल्कि एक बेअब और बेदाग बर्रे, यानी मसी के बेश की बर्रेनिंग से उसका इल्म तो बनाए आलम से बेस्तर से था मगर जहूर अखीर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ के उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है जिससे भाइयों की बेर या पैदा हुई इसलिए जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो चुनाची हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद, घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है लेकिन खुदामंद का कलाम अब तक कायम रहेगा ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था दूसरा बाब, जिंदा पत्थर और मुकद्दस कौम बस हर तरह की बदखाही और सारे फरीब और रयाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों के मानिंद खालिश रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए पढ़ते जाओ अगर तुमने खुदावंत के मेहरबान होने का मजा चखा है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रोहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं चुनाचे किताबी मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ जो उस पर ईमान लाएगा हर किस शर्मिंदा न होगा बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है मगर ईमान न लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और थेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते है और इसी के लिए मुकरर भी हुए थे लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल शाही काहिनों का फिरका मुकदस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिलकियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई खुदा के बंदे ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जरूर से लड़ाई रखती हैं, और गैर में अपना चाल चलन नीक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलायजा के दिन खुदा की तमजीद करें खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो सबकी इज्जत करो बरादरी से मोहब्बत रखो खुदा से डरो की इज्जत करो यीशु मसीह के दुखों का नमूना बड़े खौफ से अपने मालकों के ताबे रहो। ना सिर्फ नेकों और खलीमों ही के बल्कि बदमिजाजों के भी क्योंकि अगर कोई खुदा के खयाल से वे इंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सबर किया तो कौन सा फकर है हाँ अगर नेकी करके दुख पाते और सबर करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली न वो गालियां खाकर गाली देता था और न दुख पाकर किसी को धमकाता था बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिये और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और के पास फिर आ गए हो। तीसरा बाब। बीवी और शोहर आय बीवीओ तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो इसलिए कि अगर बास उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकिजा चाल चलन और खौफ को देख कर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए और तुम्हारा सिंगार जाहरी ना हो यानी सर गूंधना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुरबत की गैरफानी आरइश से आरास्ता रहे क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकदस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शहर के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से न डरो तो उसकी बेटियां हुई आए शहरों तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जरफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाए हक पर अमल की खातिर दुख उठाना गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो बरदराना मोहब्बत रखो नरम दिल और फरोतन बनो बदी के एवज़ बदी न करो और गाली के बदले गाली ना दो बल्कि इसके बार्कस बरकत चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे क्योंकि खुदावंत की नजर रात की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं मगर बदकार खुदावन की निगाह में है अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकदस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो मगर हिल्म और खौफ के साथ और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबाब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबाब से दुख उठाने से बेहतर है इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्त बाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में तहमुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी आठ जाने पानी के वसीले से बची और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिसमा यस्ु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है उससे जिसम की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है वो आसमान पर जाकर खुदा की दानी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारत और कुदरतें उसके ताबे की गई है चौथा बाब बस जबकि मसीह ने जिसम के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो जिस्म के एना से दुख उठाया, उसने गुनाह से फराखत पाई ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक न गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफ़ काम करने और शहवत बुरी खाशों में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उसी सख्त चलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो लेकिन रूप के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे खुदा की अता करदा सलाहियतों के अच्छे मुख्तार सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है बगैर बुढ़ आपस में मुसाफिर परवरी करो जिनको जिस जिस कदर नीमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नीमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो जलाल और सल्तनत अबाद उसी की है आमीन मसीही होने के 22 दुख ऐ प्यारो जो मुसीबत की आग तुम्हारी आसमायश के लिए तुम में भड़की है ये समझकर उससे ताजुब न करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक हुई है बल्कि मसीह के दुखों में जू जू शरीक हो खुशी करो ताकि उसके जलाल के जहूर के वक्त भी निहायत खुश खुरम हो अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो क्योंकि जलाल करो, यानी खुदा करो, तुम पर साया करता है तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख न पाए लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते और जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार के सुपुर्द करें। पांचवा बाब। खुदा का गल्ला। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गले की गलाबानी करो जो तुम में है लाचारी से निगेबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हकूमत ना जताओ बल्कि गले के लिए नमूना बनो और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं आए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बसता रहो इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तोफीक बख्शता है पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है तुम होशियार और बेदार रहो तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा अब्दुल उसी की सल्तनत रहे आमीन तस्लीमत मैंने सिल्वानुस की मार्फत जो मेरी दानिश में दयानतदार भाई है मुख्तसर तौर पर लिखकर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है इसी पर कायम रहो जो बाबल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा हैं, वो और मेरा बेटा मरकस तुम्हें सलाम कहते हैं मोहब्बत से बोसा ले लेकर आपस में सलाम करो तुम सबको जो मसीह में हो इतमान हासिल होता रहे